जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सीवियर हीट वेव के दौरान जब दिल्ली में टेम्परेचर्स 46-47 डिग्रीज टच कर रहे हैं, दिल्ली में पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। आज मैं आपको अपडेट देना चाह रही थी कि अभी भी दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है, लगातार उसमें कमी चल रही है। वज़ीराबाद पौंड पर, जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है। यानी लगभग वज़ीराबाद पौंड में पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में, जहां पे दो सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कंटिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था, ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया, 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया है। यानी इस समय दिल्ली में 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। 1005 MGD के बजाय 932 MGD पानी कल प्रोड्यूस हुआ है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, क्योंकि जो मुनक कनाल का पानी है वो सभी सात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, सातों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में अब कुछ पानी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। तो 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो दिल्ली में कई इलाकों में पानी की कमी थी, वो अभी भी बरकरार है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है, ख़ास करके बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में, जहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी। इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहाँ के UGR से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी, इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है, तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, पानी के टैंकर्स अब हम जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं पानी के टैंकर्स के, उनको भी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से नए ऐसे एरियाज डेवलप हो गए हैं जहां पे पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है। कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग हुई इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है। हिमाचल प्रदेश ने कल की अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में फिर से ये बताया है कि वो दिल्ली को पानी देने को तैयार हैं। जो हिमाचल का सरप्लस पानी है,
देखिए हमें अपर यमुना रिवर जो इंटायर बेसिन है उसमें ये समझना होगा कि जो सारे अपर यमुना स्टेट्स हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, सबको यमुना के पानी का एक हिस्सा एलोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड में फिर से ये स्पष्ट किया है कि जितना वो एलोकेशन हिमाचल प्रदेश का है, गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक्स पानी है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ देयर एलोकेशन। हिमाचल प्रदेश ने फिर से ये कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में रीआइटरेट किया है कि वो ये पानी देने को तैयार है, परंतु अपर यमुना रिवर बोर्ड ने कुछ हिमाचल प्रदेश से और कागज़ और कैलकुलेशंस मांगे हैं। मेरी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से बात भी हुई है। उन्होंने भी ये अश्योरेंस दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश से सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उनसे कागजात की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द अपर यमुना रिवर बोर्ड को प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने फिर से दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया है, लेकिन क्योंकि इन कैलकुलेशंस को असेस करने में अपर यमुना रिवर बोर्ड को कुछ समय लग सकता है, दिल्ली ने हरियाणा को एक ह्यूमैनिटेरियन अपील फिर से करी है और उस ह्यूमैनिटेरियन अपील के तहत हमने हरियाणा से ये आग्रह किया है कि वो कुछ एडिशनल पानी अगर दिल्ली को छोड़ सकते हैं। अपर यमुना बोर्ड ने ये भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा कुछ बायलैटरल बैठक करें और अगर कुछ पानी हरियाणा दे सकता है तो वो ज़रूर रिलीज़ करें। दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी हरियाणा सरकार के अफसरों से बात करी है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर्स का एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा के ऑफिसर से मुलाकात भी करेगा। तो हम हरियाणा सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी अपील कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली की अभी की परिस्थिति में कुछ एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ करे। किसका कितना हिस्सा है, उसका क्या कैलकुलेशन है, इस सब पर बातचीत ये हीट वेव निकलने के बाद बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आज एक हीट वेव के नाते दिल्ली में एक इमरजेंसी सिचुएशन है और हमारी हरियाणा से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अपील हुई है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हरियाणा पानी रिलीज़ करें। बाकी मेरी दिल्ली वालों से भी अपील है कि दिल्ली वाले भी, क्योंकि पानी की लगातार एक कमी बनी हुई है, दिल्ली वाले भी बहुत केयरफुली पानी का प्रयोग करें। जिन जिन इलाकों में पानी आ रहा है, जहाँ पर पानी की कमी नहीं भर भी है, अगर वो कंजर्व करके कम से कम पानी का प्रयोग करेंगे तो दिल्ली के अन्य इलाकों में जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है वहाँ पर हम पानी पहुँचा पाएंगे। तो मैं दिल्ली वालों से फिर से अपील करूँगी कि कम से कम पानी का प्रोडक्शन कंजम्पशन करें, कि दिल्ली के जहाँ जहाँ पर भी टेल एंड एरियाज़ हैं जहाँ पर 70 MGD पानी का प्रोडक्शन कम होने की वजह से जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, अगर बाकी एरियाज़ अपने पानी का कंजम्पशन कम करेंगे तो हम वहाँ पर पानी पहुँचा पाएंगे। हमारा पानी की पाइपलाइंस का इंस्पेक्शन लगातार जारी है, दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स के द्वारा भी जारी है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम्स के द्वारा भी जारी है, सोशल मीडिया पर भी हमें जहाँ जहाँ से फीडबैक आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था हमें कल कि कोंडली के पास, कोंडली पुल के पास पानी की लीकेज हो रही है, उस लीकेज को आज सुबह रिपेयर कर दिया गया है। हमारे पास सूचना आने के 12 घंटे के अंदर अंदर ही वहाँ पर रिपेयर हो गई है। तो मेरी दिल्ली वालों से भी यही अपील है कि अगर उन्हें कहीं पर भी पता चल रहा है कि कुछ लीकेज हो रही है, इस समय हम एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए किसी को भी पता चले आप दिल्ली जल बोर्ड को टैग करिए। हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जहां पर भी लीकेज है उसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिपेयर किया जाएगा,
क्योंकि जब 70 MGD पानी की कमी दिल्ली में हो रही है, जब 70 MGD पानी का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है, तो इस परिस्थिति में एक बूंद भी पानी वेस्ट ना हो, ये हमारा प्रयास है। थैंक यू।